किरण खेर ही नहीं बल्कि यूपी के अमरोहा में भी बीजेपी उम्मीदवार का विरोध हो रहा है। अमरोहा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश के कई सीटों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं नजारा है बीजेपी ऑफिस का, और यहाँ पर अमरोहा से आए हुए लोग हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आप बताइए क्यों यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? ना एक मिनट रुक जाओ मेरी, अरे रुक जाओ, इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अमरोहा लोकसभा से 20 लोग कम से कम, सब तरीके से संपन्न है, साधनों से भी हर बिरादरी के लोग संपन्न है, कम से कम 5 करोड़ रुपए रैलियों में लगा चुके हैं सब प्रत्याशी मिलकर। नंबर एक का प्रदर्शन अमरोहा लोकसभा का रहा, लेकिन आज स्थिति पिछले 8 दिन से अमरोहा की ये हो गई है कि कमर सिंह जो कांग्रेस से बहुत तरह से प्रचार करता है, बसपा से चुनाव हार चुका है, उसके बाद में लोकदल की उसने सभा करवाई, अजीत सिंह और जयंत के साथ आया हेलीकॉप्टर में बैठ कर, आज बीजेपी पार्टी उसे अमरोहा लोकसभा से अपना पार्टी बनाने पर उतारू, प्रत्याशी बनाने पर उतारू है, जिसका यहाँ सभी लोग हर बूथ से एक लोग आए हैं विरोध करने के लिए आए हैं। और ये विरोध इतना होगा कि अगर कल सीट अनाउंस होती है कमर सिंह तमर की, 1000 लेडीज आएंगी और 10000 कम से कम लोकसभा के लोग आएंगे और यहीं सड़क जाम होंगी और इसकी जमानत हम जब्त करवाएंगे सब लोग। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये कमर सिंह तमर जैसा आदमी सीट डरवा रहा है। लेकिन आपको इंतजार करना चाहिए, इंतजार की वजह सुनिए आप जी, 15 तारीख को यूपी की सभी लोकसभा 2-3 चरणों के प्रत्याशी घोषित होने थे, कमर सिंह तमर का हमारे क्षेत्र में विरोध हो चुका था, उसने एक गलती कर दी लोगों को ये कह कि मैंने सीट खरीद ली, लोग वहां के चिड़ गए, लोगों ने आना शुरू कर दिया, इसलिए 15 तारीख को सीट रोक दी। नहीं तो क्या कारण था सीट रोकने का 15 तारीख को? 19 में घोषित कर रहे हैं, 19 में जो है नॉमिनेशन स्टार्ट है, यहाँ से सिम्बल लेकर जाएगा। मतलब देख सकते हैं कि जिस तरह से अमरोहा से आए हुए लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से उन्हें खबरें हैं उसके मुताबिक तो यहाँ पर टिकट देने की बात चल रही है और इसी को लेकर उन्होंने विरोध जताया। आप दूसरी तरफ दृश्य देख सकते हैं, ये है गाजियाबाद से आए हुए लोग हैं और ये लगातार विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से जनरल वीके सिंह का नाम आ रहा है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्यों हम वीके सिंह का विरोध कर रहे हैं? वीके सिंह को गाजियाबाद में लाके वहां पर पैरा डोपिंग कर दी गई है वीके सिंह की। हम लोग कार्यकर्ता है बीजेपी के और त्यागी समाज 60 साल से बीजेपी के साथ है, आज उसका और हमें वादा किया गया था राजनाथ सिंह द्वारा कि अब की बात चलो त्यागी समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन किसी भी लोकल कार्यकर्ता को वहां पर टिकट नहीं दिया गया और वीके सिंह को रिश्तेदार होने के नाते वीके सिंह को वहां से टिकट देने का प्रावधान चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक गाजियाबाद से आए हुए लोग हैं और ये काफी गुस्से में हैं, जिस तरह से उनका कहना है कि जनरल वीके सिंह को टिकट देने की बात चल रही है और उसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। ये नजारा बीजेपी ऑफिस के बाहर का है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर टिकट दिया जाता है तो किसी स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सके। चंद्रमन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली।